कथा के इस भाग में हमने च्यवन ऋषि के जन्म तथा जन्म लेते ही राक्षस पुलोमा को भस्म करने की कथा सुनी। इसमें भृगु द्वारा अग्निदेव को शाप देने का वृतांत भी है और किस प्रकार अग्निदेव क्रोधित होकर समस्त यज्ञों आदि से अपने आप को समेट लेते हैं तथा कैसे ब्रह्मा जी उनको समझाकर प्रेम से उन सारी क्रियाओं के लिए पुनः मनाते हैं। पिछले अध्याय में हमने भृगुवंश की उत्पत्ति और भृगु पत्नी पुलोमा का राक्षस के द्वारा हरने का प्रयत्न सुना। उग्रसेवा जी कहते हैं, ब्राह्मण, अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि उस समय उस गर्भ में जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहे थे अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आए। च्युत होने के कारण ही उनका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधु को सांत्वना दी और उसे धीरज बधाया। उसके आंसुओं के बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। यह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुई थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती थी। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर प्रताप भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुम पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुरुरी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चुंगल से छूट सकी। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्रसेवा जी कहते हैं, पुलोमा का ये वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। उग्रसेवा जी कहते हैं, महर्षि भृगु के श्राप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का ये दुस्साहस पूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए पूछने पर भी कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की सात सात पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में धकेलता है। इस प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी सच बात नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूं, तो भी नहीं देता, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य है। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गहरे पत्ते और दक्षिणा अग्नि आदि मूर्तियों में नित्य
किए जाने वाले अग्निहोत्रों में अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्ठम आदि मखों यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्ण मास याग पितरों तथा देवताओं के लिए दिए गए हैं, अतः देवता पितृ हैं और पितृ ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में ही पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितृ दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और इस आहुति के रूप में प्राप्त हुए हविष्य का वे देवता और पितृ उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सबका मुख कैसे हो सकता हूँ? उग्रशवाजी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र यज्ञ सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार वष्टकार स्वधा स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पापरहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था वे सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहाँ समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम्ही हो। तुम्ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम्ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है अर्थात कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के इस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्रशवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव पितामह ब्रह्मा जी से बोले, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यो कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्वत पालन करने लगे।
देवता लोक स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ। वही अग्नि शाप संबंधी प्राचीन इतिहास है, पुलुमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृतांत भी यही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।